अभी अभी भोजपुरी बतकई पर एगो बहुत बड़ा खबर रुआ के दे रहा बनी कि एगो खबर बन रहा है भोजपुरी बतकई पर कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के मकबरा बनी। आ ये पर बहुत ही बवाल लगातार सोशल मीडिया पर बवाल होते रहे, बहुत सारा लोग उल्टा सीधा कमेंट भी करत रहे, लेकिन रुआ के हम देखा देहल चाहते नहीं वो खबर के सत्यता सामने आयल बा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जौन चार बार दिल सिवान के सांसद रहल बनी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के मकबरा 8 गो ईंटा जुड़ के तैयार हो गई बा, 4 गो खम्भा तैयार हो गई बा, लगभग 7 फीट तक मकबरा तैयार हो गई बा। हालांकि ये पर विवाद खड़ा हो गई बा, फोटो रुआ के दिखा रहल बनी दिल्ली से, जौन की दिल्ली गेट के बगल में एगो स्थित बा, आ जौन ओजा कब्रस्तान बा वही जा ई मकबरा बनता। तरुआ के हम लाइव देखा रहल बनी दिल्ली से, आ देखी वो खबर पर कितना बवाल भइल, सारा लोग कितना लोग कहे कि ना बने के चाही, आ बहुत सारा लोग कुछ कहे के कुछ कहे, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जौन सिवान के 4 बार एमपी रहनी वहाँ के मकबरा दिल्ली में बनता। ये बात के खबर भोजपुरी बतकई सबसे पहले देले रहे, तमाम सारा ए पर खबर आयल, आ तमाम यूट्यूब चैनल सारा चैनल चलौलस कि मकबरा ना बने के चाही, हेंग बात झूठ गलत बात खबर गलत बात हई बात आऊ बा अफवाह हो, लेकिन रउआ के लाइव देखा रहल बनी दिल्ली से, दिल्ली गेट के ठीक बगल में कब्रस्तान बा ओजा इतना बड़ा मकबरा तैयार हो गई बा। हालांकि रौरा के एगो और बात बता दी कि जौन ओजा के कमेटी के लोग बा कब्रस्तान में बड़ा मकबरा नहीं बनाव के, ओकरा बावजूद कुछ ओजा के लोग बा स्थानीय लोग जे सिवान के हो मोहम्मद शहाबुद्दीन के नज़दीकी लोग बा जे करीबी रहे उ जबरदस्ती एकरा के बनवाओता। हालांकि दोसर अगल बगल के रुआ के हम देखा रहल बनी कि जौन मकबरा बा इतना बड़ा नहीं है, छोटा छोटा बा, एगो पत्थर लाग सकेला, लेकिन ई एकाएक इतना बड़ा मकबरा बन गई ला बिना जानकारी दहले बनल बा, तो एकरा के लेके तमाम विवाद भी उत्पन्न भइल बा, अभी रोकल गई बा। तो भोजपुरी बतकही के एक खबर के सही हो गई बा, खबर सब्सक्राइब करी शेयर करी। डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और चौथे जुमेरात।